ओम शांति, बोलिए ओम शांति। नहीं नहीं, ये तो बुड्ढों का काम है। जब कहो ना भगवान को अपने में ऐड कर लो, सबको ऐड किया हुआ है, व्यक्ति वैभव पदार्थ सबको ऐड कर लिया अपने लाइफ में, किसको छोड़ा है। अरे ये तो बुढ़ापे का काम है ना, उसको पेंडिंग में डाल दिया। जिसको हमें बचपन से जोड़ना था, आज उससे जुड़े हुए होते ना तो कर्म हमारे सुधार होते, कर्म श्रेष्ठ होते, उसको पेंडिंग में डाला है। ये तो बुढ़ापे का काम है। एक धागा है ना पतला सा, उसको तोड़ना इजी है, और जब वही धागा रस्सी का रूप बन जाए, उसको रस्सी को तोड़ सकते हैं। अब बुढ़े में कह दो भगवान का ज्ञान सुनो, बुढ़ों का तो मन टीवी में लगा है, नाती पोते भोतों में लगा है कि बुढ़ों का ज्ञान में मन लगेगा। उनसे कह दो क्लास में आओ, अरे बहन जी बहू वहाँ चली जाती तो बच्चों को देखते हैं, पोतों को देखते हैं, उन्हीं को चूमते चाटते रहते हैं। अब वही धागा रस्सी का रूप बन चुका है, तो रस्सी को चेंज करना बहुत कठिन हो गया है। इसलिए जब जिस व्यक्त समय परमात्मा का ज्ञान मुझ आत्मा को मिल जाए, उसको अपने जीवन में क्या करना है, धारण कर लेना है। उम्र का नहीं, उम्र का भरोसा नहीं। अब यूथ लोग पहले ही जा रहे हैं, बुड्ढे घर में बैठे हैं, कलयुग में सब उल्टा पुल्टा है। इसलिए जो उम्र का कोई नहीं भरोसा। पहले की उम्र 100 साल होती थी तो हमने 25-25 साल में बांट दिया था, अभी 100 साल की उम्र है, जो बांटे 25 साल में कि बुढ़ापे में ये ज्ञान सुनेंगे। जब भी मिले, जिस समय मुझे परमात्मा पिता का सत्य परिचय मिले, उसको अपने जीवन में क्या करना है, अपनाना है। उसी में सुकून है, उसी में शांति है, उसी में कर्मों में सुधार है, उसी में हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं, और उसी से हमारी जीवन बनेगी, और वही जीवन जीने की आर्ट है, और कोई जीवन जीने की कला नहीं। अभी कला आती नहीं है, इसलिए क्या सोचते हैं, मर जाएं तो अच्छा है। पूछो लोगों से कैसे चल रहे हो, अरे चल रहे हैं, अरे जी रहे हैं, अरे ढो रहे हैं। लाश है क्या जो ढो रहे हैं, खट रहे हैं, घर में कहेंगे खट रहे हैं, मर रहे हैं, ये अपने को कोस रहे हैं, फिर कहेंगे दूसरे हमको कोसते हैं। ये जितना भी हम सोचते हैं, हम खट रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम दुखी हैं, हम ये हैं, ऐसे हैं, हम ढो रहे हैं, तो ये हम अपनी आत्मा को ही क्या कर रहे हैं, कोस रहे हैं। इसका ज्ञान है क्या? अभी ऐसे नहीं कहना कि हम ढो रहे हैं, हम जी रहे हैं, मर रहे हैं। अभी जीवन जीने की आर्ट भगवान ने हमको क्या की है, सिखा दी है। हम बहुत अच्छे से जी रहे हैं, बल्कि औरों को जीव दान भी दे रहे हैं। हमारे जीवन एक लाइफ ही एकदम पलट गई है। ऐसा मुझे अपने आप को क्या करना, जब स्वयं को हम वरदान देंगे ना, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं यूनिक आत्मा हूँ, जैसी आँख खुले ना, मैं खट मर रही हूँ ऐसी वाली नहीं हूँ, मैं एकदम विशेष आत्मा हूँ, मैं ग्रेट आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं नहीं तो संसार नहीं। ये अपने को क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट। और जब तक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना, तो हमें कोई रिस्पेक्ट देने वाला नहीं, जिंदगी भर मर जाएंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे। पहले सेल्फ को रिस्पेक्ट दो,